दिग्रस शहर में कोरोना एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की मानो बाढ़ सी आ गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले शहर के स्वास्थ्य के मद्देनजर खतरे का सबब बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पूर्व राज्य मंत्री संजय देशमुख ने BCN के माध्यम से कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करने और कोविड 19 का टीका लगाने का आह्वान लोगों से किया है। दिग्रस तहसील और शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 350 के पार हो चुकी है। शहर में धड़ल्ले से जारी कोविड 19 के संक्रमण के विभिन्न कारणों में लोगों द्वारा कोविड 19 के दिशा निर्देशों के पालन में हो रही कोताही और वैक्सीनेशन को लेकर फैली नकारात्मकता भी एक कारण है। इस विषय पर BCN से हुई बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री संजय देशमुख ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कोविड 19 और वैक्सीनेशन को लेकर तहसीलवासियों की गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास किया है। तमाम हमारे दिग्रस वासियों से और यवतमाल जिले के तमाम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि और उनको सबको विनती करता हूँ कि ये वैक्सीन अपने सभी लोगों ने लेना चाहिए, खास करके 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग भाई है, सभी जाति धर्म के लोगों को मेरी गुजारिश है कि ये वैक्सीन 60 साल के ऊपर के लोगों को प्रथम प्राधान्य से दी जा रही है और उसके बाद में बाकी सभी तमाम लोगों ने ये वैक्सीन लेना चाहिए। मैं खुद सरकारी दवाखाने में गया, प्राइवेट दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं, जिसके पास ज़्यादा पैसे उन्होंने प्राइवेट दवाखाने में जाना चाहिए, पर जिसके पास कम पैसे पैसे नहीं है ऐसे लोगों ने जाके अपने ग्रामीण रुग्णालय में बोलो, सरकारी दवाखाने में बोलो, वहाँ जाके ये वैक्सीन लेना चाहिए। ये वैक्सीन लेने का अर्थ क्या है कि देखो अपने भारत देश में तो सभी लोग ये वैक्सीन ले रहे, मगर विदेश में भी ये जो कोरोना है, ये कोरोना जात पात धर्म भेद कोई देखता नहीं है और ये अटैक करता है, तो वैक्सीन अपने देश के लिए अपने सभी लोगों के लिए एक अच्छी वैक्सीन निकाली हुई है, वो वैक्सीन का सदुपयोग अपन सभी लोगों ने करना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। ऐसी विनंती मैं सभी दोस्तों बुजुर्गों साथियों भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ। संजय देशमुख ने बताया कि न सिर्फ उन्होंने कोविड का टीका लगाया बल्कि उनकी माता जी ने भी कोविड 19 का टीका लगाया है और वो तंदुरुस्त है। बकौल संजय देशमुख के कोविड 19 का टीका पूरी तरह से सुरक्षित है जिससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। संजय देशमुख ने बताया कि वे जल्द ही ईश्वर देशमुख फाउंडेशन और परिवर्तन विकास आघाड़ी की ओर से देहात और परिसर में निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप के आयोजन के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जिला चिकित्सालय से अनुमति के बाद जल्द ही इस नेक काम को अमल में लाया जाएगा। देश के जो शास्त्रज्ञ लोग हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जिन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, ये सभी लोगों ने अपने परिश्रम से ये मास्क है, उसके बाद सैनिटाइज़र है, उसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो उपाय सुझावे है ये उनका खुद का अभ्यास है, उन्होंने बहुत स्टडी इस पर किया और उसके बाद में ये जो गाइडलाइन अपने लोगों को दिए वाली है वो गाइडलाइन पूरी तहत उन्होंने अभ्यास करके ये गाइडलाइन दिए वाली है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे मत का मैं हूँ और सभी भाइयों से भी मैं विनती करता हूं कि ये गाइडलाइन का उपयोग अपन ने करना चाहिए। जब अपन नहीं करेंगे इसका फैलाव ज़्यादा होगा, तो ये अपने सेहत के लिए अपने लोगों के लिए, खास करके अपना भारत देश गरीबों का देश है, साधारण परिस्थिति सभी लोगों की है और ये महामारी अगर ज़्यादा तरह से फैल गई तो इसका अपने सभी के लिए ये विनाश का कारण बन जाएगा। परिवर्तन विकास आघाड़ी की तरफ से, ईश्वर फाउंडेशन की तरफ से हम ये देहात में कैंप लगाना, उसमें ये वैक्सीन के बारे में बताना, ये जागरूकता का करने का काम भी हमारे पदस्थ से करने वाले हैं। हम यहाँ के जो भी जिला चिकित्सालय है वहाँ पे अर्जा भी हमने ईश्वर फाउंडेशन और परिवर्तन विकास आघाड़ी के नाम से किए वाला है और उनको हम बोल रहे हैं कि हम वैक्सीनाइजेशन फ्री में लोगों को देने की कोशिश करेंगे, जो भी उसकी कीमत है वो हमारे ईश्वर फाउंडेशन के द्वारा या परिवर्तन विकास आघाड़ी के द्वारा भरने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना है कि उसकी रिएक्शन आने के बाद में एक आधे आदमी को हजारों में से 2000 में से, अभी देखो दिग्रस में इतने सारे हजारों लोगों को ये वैक्सीन दिए गए, एक भी केस तुमको कभी ध्यान में आया गया, एक भी केस टीवी पे आया गया, तो ये बात सोचना चाहिए कि भाई इतने हजारों लोगों ने वैक्सीन ली वाली, मैंने लिया, मेरी माँ आज 82 साल की है उसको वैक्सीन मैंने जाके वहाँ पे लेने लगाया और वो अभी फिलहाल एकदम तंदुरुस्त है, तो ये वैक्सीन लेना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन जो अपने भारत सरकार ने दिए वाली है, महाराष्ट्र सरकार ने दिए वाली है और जो भी तज्ञ लोग हैं उन्होंने दिए वाली, उसका भी इस्तेमाल अपन करना चाहिए।
कुल मिलाकर 1 मार्च से अब तक दिग्रस शहर में 1500 से ऊपर लोगों ने स्वेच्छा से कोविड का टीका लगाया है। दिग्रस तहसील में वयस्क नागरिकों की कुल जनसंख्या के मद्देनजर टीका लगा चुके लोगों की संख्या अपेक्षा से कम है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में दिग्रसवासी बड़ी संख्या में कोविड का टीका लगाकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए खुद के और समाज के भलाई के लिए आगे आएंगे। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।